के बैडमिंटन एकेडमी में इस समय सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेली जा रही है। हमारे साथ कुछ महिला खिलाड़ी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो चैंपियनशिप है ये किस तरीके से नई खिलाड़ियों के लिए फ़ायदेमंद है। जी प्रज्ञा जी, प्लीज स्विच ऑफ योर फ्लैशेस ऑन योर मोबाइल, स्विच ऑफ योर फ्लैश ऑन योर मोबाइल। मतलब बड़े खिलाड़ियों को देख के आप लोग जितने किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ट्रिक्स हैं। साइना नेहवाल का मैच है आज, तो क्या क्रेज है आप लोगों को साइना नेहवाल को देखने के लिए और क्या सीखेंगे उनसे? उनसे कि मतलब आज के टाइम बहुत ज़्यादा हमें कैसे इम्प्रूव करना है, क्या करना है, और बहुत कम लोग होते हैं कि वो देख सकते हैं मतलब उनको खेलते हैं, जैसे कि चलिए उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको एक मौका मिला है कि वो उनको देखने और यहाँ पे जो लखनऊ में लोग रहते हैं यहाँ पे देखने कैसा खेलते हैं, उनको बहुत कुछ मिल सकता है क्योंकि वो हमारे इंडिया की पहली महिला खिलाड़ी है जो जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लाया और जिन्होंने बैडमिंटन को इंडिया में बैडमिंटन का इतना क्रेज नहीं था। क्या क्या क्रेज है साइना नेहवाल के लिए इस बार? प्लीज डू नॉट यूज फ्लैश ऑन योर मोबाइल, प्लीज डू नॉट यूज फ्लैश ऑन योर मोबाइल। और जहां इस चैंपियनशिप से खिलाड़ियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, वहीं साइना के आने से इसका क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है। खिलाड़ियों का कहना है कि उनको देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं कि किस तरीके की ट्रिक्स का वो प्रयोग करती हैं खेलने में, और साथ ही उनको देख के हमें मोटिवेशन भी मिलता है। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा की टीम।